हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एडुटेनर में। आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। इससे पहले हमने फाइलम पारीफेरा की बात की थी, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप पहले से जानते हैं तो सो फार सो गुड। आज हम बात करेंगे फाइलम सिलेंट्रेटा की। तो ये जो टर्म है सिलेंट्रेटा, ये टर्म कहाँ से डराइव हुआ? ग्रीक वर्ड था कॉयलॉस एंड इंटरॉन, क्लियर? तो कॉयलॉस एंड इंटरॉन जो दो ग्रीक वर्ड थे, इनसे मिलकर बना सिलेंट्रेटा। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है, कॉयलॉस मीन्स हॉलो एंड इंटरॉन मीन्स इंटेस्टाइन, क्लियर? तो इनकी जो इंटेस्टिनल कैविटी है, ये जो एब्डोमिनल कैविटी होती है, हम लोगों में तो एब्डोमेन होता है, इनमें जो इंटेस्टिनल कैविटी होती है वो क्या होती है? वो हॉलो होती है, ठीक है? क्यों हॉलो होती है हम देखेंगे इस पूरे वीडियो में, बने रहिए मेरे साथ, ठीक? तो सबसे पहले बात करेंगे कि इनका हैबिटेट क्या होता है, ठीक है? तो ये मोस्टली क्या होते हैं, वे मोस्टली मरीन वाटर में पाए जाते हैं, यानी समुद्री जल में पाए जाते हैं। ज़्यादातर इनके जो एनिमल्स हैं उनके नेम भी ऐसे ही हैं, सी अर्चिन है, ठीक है, सी एनिमोन है, सी पेन है, तो ये सी वाटर में मिलते हैं, ठीक? मोस्टली ये क्या है, सी वाटर में मिलते हैं, एक्वेटिक इन हैबिटेट है। क्या है? एक्वेटिक इन हैबिटेट, क्लियर हो गई बात? तो ये हो गई इनकी हैबिटेट की बात। एक एग्जाम्पल मैंने लिया ऑरिलिया। ऑरिलिया क्या है? एक सी में रहने वाला सिलेंट्रेट है, क्लियर? इसका प्रोनंसिएशन करने में भी बच्चे बहुत परेशान रहते हैं, तो सी ओ ई एल, क्लियर? आपने सीलोम पढ़ा था तो वहां भी यही था, ठीक? सी ओ ई एल को सी पढ़ा जाएगा और एल ई एन को लेन, और इसको टी रेटा पढ़ेंगे, तो आपको स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कभी नहीं होगी। इसको पढ़ा जाएगा सिलेंट्रेटा, क्लियर? इसको नाइडेरिया भी कहते हैं, ये इसका पुराना नाम है, ठीक है? तो पहली चीज हमने हैबिटेट की बात कर ली, किसकी बात कर ली, हैबिटेट की। अब दूसरी चीज आई इसकी सिमेट्री कैसे। सिमेट्री तो आप सब जानते ही हैं कि इनकी बॉडी को डिवाइड किया जाए तो बराबर किस एंगल से काटें कि ये बराबर आ जाए, इसी को कहते हैं सिमेट्री। जैसे हम लोगों की बॉडी को यहां से बीचों बीच से काट दिया जाए तो बिल्कुल एक ये लेटरल पार्ट हो गया, एक ये लेटरल पार्ट हो गया, इसीलिए हम लोग क्या है, हम लोग हैं बाइलेटरल सिमेट्री के। तो ये जो होते हैं सिलेंट्रेट, इनमें कैसी सिमेट्री होती है, इनमें होती है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री मीन्स इनको किसी भी एंगल से काटिए, किसी भी एंगल से इनको काटिए, ये बराबर ही कटेंगे, क्लियर? तो इसीलिए इनको किस में रखा गया है, रेडियल सिमेट्री में रखा गया है। ये हो गई इनकी सिमेट्री। अगली चीज आती है इनकी बॉडी किस कितने फॉर्म में होगी। इनकी बॉडी के मेनली दो फॉर्म होते हैं, एक होता है फ्री स्विमिंग मींस जो फ्रीली स्विंग करेंगे, और दूसरा सेसाइल। सेसाइल मींस जो कि अटैच रहेंगे सबस्ट्रेटम से, क्लियर? तो जो फ्री स्विमिंग होते हैं, फ्री स्विमिंग का एग्जांपल आप ऑरिलिया ले सकते हैं, और जो सेसाइल है, सेसाइल का एग्जांपल है हाइड्रा। हाइड्रा अपने ही सबस्ट्रेटम पे क्या रहता है, अटैच रहता है, क्लियर हो गई बात? तो जो फ्री स्विमिंग होते हैं उनको कहते हैं मेड्यूसा। क्या बोलते हैं? मेड्यूसा। और जो सेसाइल होते हैं उनको बोलते हैं पॉलिप। ये आपको याद रखना है कि दो स्टेज जो उनके लाइफ की होती है, पहला फ्री स्विमिंग जिनको मेड्यूसा कहा जाएगा, और दूसरा सेसाइल जिनको कहा जाएगा पॉलिप, क्लियर हो गई बात? तो जितने मेड्यूसा में आएंगे वो सारे क्या होंगे, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, और जितने पॉलिप में आएंगे मींस सबस्ट्रेटम से अटैच रहेंगे, उनमें एसेक्सुअल स्टेज ही रहेगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, लाइक दैट हाइड्रा, क्लियर? और मेड्यूसा स्टेज में आपका क्या है, ऑरिलिया है, ठीक है? तो ये हो गया इनके लाइफ की दो स्टेजेस, एक मेड्यूसा और एक पॉलिप, मींस एक फ्री स्विमिंग स्टेज जो कि सेक्सुअल स्टेज है, और एक सेसाइल स्टेज मींस सबस्ट्रेटम से अटैच। सेसाइल मींस क्या हुआ, जैसे ये कोई सबस्ट्रेटम है और यहाँ पे ये अटैच है और यहाँ से अब ये हटेगा नहीं, मींस बिल्कुल इसी जगह फिक्स है। इस स्टेज को क्या कहते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं सेसाइल स्टेज। जैसे सेसाइल लीफ होती है तो वैसे ही इसको क्या कहते हैं, सेसाइल स्टेज बोलते हैं। तो हाइड्रा क्या होता है, हाइड्रा एक ही सबस्ट्रेटम पे अटैच रहेगा, ठीक है? तो ऐसी स्टेज को पॉलिप या सेसाइल स्टेज कहते हैं।
इनमें केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही मिलता है। क्लियर। इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। कैसा ऑर्गेनाइजेशन, हमने बात की थी पिछले वीडियोस में कि बॉडी जो होती है या तो सेलुलर लेवल की होगी या तो टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा या ऑर्गन लेवल का या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल का। हम लोगों में पूरा ऑर्गन सिस्टम डेवलप होता है। कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है। तो आप पिछला वीडियो देखिए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इनमें मिलता है, किन में, सिलेंट्रेट्स में, मतलब सिलेंट्रेटा में आने वाले जितने भी एनिमल्स हैं उनमें कैसा ऑर्गेनाइजेशन होता है, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्लियर। अगली चीज है प्रेजेंस ऑफ सिलेंटेरान, ये वाली बात, कोलोस एंड इंटरान मींस हॉलो इंटेस्टाइन, ये बात अब डिकोड होने जा रही है। प्रेजेंस ऑफ सिलेंटेरान और गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, ये जो गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी है यहाँ आपको समझना है फॉर डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, मीन्स एक ही कैविटी इनकी बॉडी में होगी। मैं यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, देखिए एक ही कैविटी इनकी बॉडी में होगी और ओपनिंग भी एक सिंगल ओपनिंग होगी। इसी से फूड मटेरियल भी इंटर करेगा, वाटर भी इंटर करेगा और आउट भी, तो ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ टेंटिकल होंगे, क्या होंगे, इनको कहेंगे टेंटिकल। क्लियर। तो ये टेंटिकल क्या करेंगे, फूड कैप्चर का काम करेंगे, किसका काम करेंगे, फूड कैप्चर का काम करेंगे और फूड मटेरियल यहाँ इंटर करेगा और ट्रांसपोर्टेशन भी यहीं से होगा और साथ ही साथ एक्सक्रीशन भी यहीं से होगा। क्लियर। और ये कैविटी जो है, ये कैविटी क्या है, ये कैविटी है अपने आप में हॉलो कैविटी। क्लियर। दैट्स वाई इनको कॉयलस और इंट्रॉन कहा जाता है। अब इंटेस्टाइन मतलब क्या हुआ, वो पार्ट जहाँ पे फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है, इंटेस्टिनल इंटेस्टाइन हम लोगों की क्या है, वहीं पे फूड मटेरियल डाइजेस्ट होता है और एलिमेंट्री कैनाल में अलग अलग पार्ट है, लाइक दैट हम लोगों का स्टमक है, ठीक है। माउथ में भी थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है लेकिन ज़्यादातर जो डाइजेशन होता है वो हमारे इंटेस्टाइन में ही होता है। क्लियर। तो अब इंटेस्टाइन जो है, इंटेस्टाइन हॉलो है जिसके कारण फूड मटेरियल इंटर करेगा और इंटर करने के बाद में यहाँ क्या होगा, डाइजेस्ट होगा और फिर यहीं से ये बाहर निकल जाएगा। तो ये कैविटी क्या है, ये अपने आप में हॉलो है और फूड मटेरियल इंटर कैसे कर रहा है, इन टेंटिकल्स के थ्रू कर रहा है जो कि इनके माउथ, जो इनकी ओपनिंग है, इसी ओपनिंग पर ये टेंटिकल्स हैं जो कि प्रे को कैप्चर करने का काम करेंगे। क्लियर। तो दैट्स वाई इनको क्या कहते हैं, इनको सिलेंटेरेटा बोलते हैं। दिस इज क्लियर हो गई, ज़्यादा बहुत आपको दिमाग नहीं लगाना है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है कि यहाँ पे इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ पे जो कैविटी है वो हॉलो है, ठीक है, और वहीं पे ट्रांसपोर्टेशन भी हो रहा है और वहीं पे डाइजेशन प्रोसेस भी हो रही है। दैट्स वाई प्रेजेंस ऑफ सिलेंटेरान या गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। अब इसको गैस्ट्रो और वैस्कुलर कैविटी क्यों कहेंगे, गैस्ट्रो इज रिलेटेड टू द डाइजेशन एंड वैस्कुलर इज रिलेटेड टू द ट्रांसपोर्टेशन, समझ में आ गई बात। हम लोगों में जो गैस्ट्रिक सिस्टम होता है वो अलग होता है, मींस पूरी एलिमेंट्री कैनाल अलग, और जो वैस्कुलर सिस्टम होता है वो अलग होता है, मींस जो वेंस आर्टरी का जो अपना पाथ होता है वो अलग होता है। हम लोगों की बात अगर की जाए, मैमल्स की बात की जाए तो, बट इनमें ऐसा नहीं होता है, दोनों क्या हो जाते हैं, दोनों मिक्स हो जाते हैं, दोनों कैविटीज सेम रहती हैं। क्लियर। दैट्स वाई इनमें गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, डाइजेशन और ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक ही कैविटी होती है, इसको कहते हैं गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी, समझ में आया, या इसी को सिलेंटेरान बोलते हैं, दैट्स वाई इन्हें कहा जाता है सिलेंटेरेटा। अब आपको पूरी चीज पिक्चर क्लियर हो गई होगी कि इनको सिलेंटेरेटा क्यों कहा जाता है। प्रेजेंस ऑफ द सिलेंटेरान दैट इज गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी फॉर डाइजेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन, इज दैट क्लियर। अब आते हैं रिप्रोडक्शन इनमें कैसा होगा, इनमें दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, मींस ये हर्माफ्रोडाइट भी होते हैं, मींस एक ही बॉडी में मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों पाए जाएंगे और दूसरा बाइसेक्सुअल भी होते हैं। क्लियर, यानी दोनों अलग अलग, ठीक। तो जहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ तो या तो हर्माफ्रोडाइट होंगे और या तो बाइसेक्सुअल होंगे, लेकिन जहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वहाँ या तो फ्रेगमेंटेशन होगा और या तो बडिंग होगी। जब आपने बडिंग पढ़ी होगी
तो बडिंग में क्या पढ़ा होगा, हाइड्रा का एग्जांपल सबसे अच्छा है बडिंग में, उसमें बड निकलते हैं और फिर वो मेच्योर होके पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं, क्लियर। तो हाइड्रा जो है बडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लियर। हाइड्रा बडिंग का सबसे अच्छा एग्जांपल है, क्लियर। तो ये और फ्रेगमेंटेशन, इन दोनों टाइप का ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें पाया जाता है, फ्रेगमेंटेशन और बडिंग, क्लियर। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनका हर्माफ्रोडाइट, यानी या तो एक ही बॉडी में होंगे और या तो अलग अलग पेरेंट बॉडी होगी इनकी, ठीक है। इस तरीके से इनका रिप्रोडक्शन होगा। अगली चीज है एग्जाम्पल। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कई एग्जाम्पल हैं, जैसे ऑरिलिया, ओबिलिया, हाइड्रा, ठीक है। अब इनके कॉमन नेम भी है, सी अर्चिन है, सी एनिमोन है, सी पेन है, अलग अलग टाइप के एनिमल्स आते हैं सिलेंट्रेटा में, ठीक है। तो अब मेन मोटिव हमारा ये था कि सिलेंट्रेटा के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज लिया जाए कि सिलेंट्रेटा को सिलेंट्रेटा क्यों कहते हैं, कैसे होते हैं, इनका हैबिटेट कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सिमेट्री इनकी कैसी होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी थी, जो हमने पढ़ा बॉडी की जो दो स्टेज थी, मेड्यूसा और पॉलिप, जो कि जानना जरूरी था। मेड्यूसा कैसी स्टेज है, फ्री स्विमिंग स्टेज है, जो कि फ्रीली ही फ्लोट करती है वाटर में, और ये सेक्सुअल स्टेज है। और दूसरी सेसाइल स्टेज, जो कि हाइड्रा में पाई जाती है, इसको पॉलिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉलिप। और ये क्या है, ये एसेक्सुअल स्टेज है, क्लियर। तो अब ये हो गया आपका सिलेंट्रेटा, आपका कंप्लीट हो गया। सिलेंट्रेटा के बाद अब हम आएंगे प्लेटी हेलमेंथीस पे। इससे पहले हमने पॉरीफेरा पढ़ाया था, और उससे पहले भी हमने एक वीडियो और बनाया था जो कि था बेसिस पर। ये जो टर्म्स आ रहे हैं छोटे छोटे, जैसे सिमेट्री आ गई, ठीक है, हैबिटेट आ गया, या मान लीजिए अलग अलग टाइप के टर्म जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, वो उन टर्म्स को लेकर के एक वीडियो मैंने बनाया था, जिसको कहा गया था बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। यानी एनिमल किंगडम को या किंगडम एनिमलिया को हम क्लासिफाई करेंगे तो किस बेसिस पे करेंगे, तो वो बेसिस वाला वीडियो अगर आप देख लेते हैं तो अब आने वाले वीडियोस आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे। तो ज़रूर उसको देखिएगा, ठीक है, प्लेलिस्ट में है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं, या हो सकता है मैं आई बटन में आपको दे दूँ उस वीडियो की लिंक, ठीक है। तो ये सिलेंट्रेटा ओवरऑल कंप्लीट हो गया, इसके बाद प्लेटी हेलमेंथीस पर आएंगे, नेक्स्ट वीडियो होगा। तो तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, थैंक यू।